हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। तो फाइनली आज मैं आपके साथ होम टूर शो शेयर कर रही हूँ। जो मैंने नया घर लिया है तो उसका डेमो आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल घर बन रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट प्रॉमिस किया था कि डेमो ज़रूर से शेयर करूँगी, तो आज वही शेयर करने के लिए आ गई हूँ। सो मैं रह रही हूँ इस टाइम पे झांसी में, जो हमारा होम टाउन ही है, तो वहाँ पर हमने फाइनली घर खरीद लिया है। सो ये रहा वो घर, बट इसका डेमो है, एक सोसाइटी में हमने ख़रीदा है। तो चलिए वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं जो हमारे घर के अंदर आपको मिलेंगी। तो ये तो फ़िलहाल डेमो है, तो सेम घर सेम रहेगा, बट हो सकता है इसकी इंटीरियर चेंज हो। सो मेन गेट से अंदर आते ही हमारा मिलता है एक ओपन एरिया, जहाँ पर हम गार्डनिंग भी कर सकते हैं, और बेसिकली इसको पोर्च एरिया भी कहेंगे। व्हीकल्स वगैरह हम यहाँ पर रख सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जो भी शूज स्पेस बनाना है, जो भी बनाना है वो बना सकते हैं। और उसके बाद शुरू होता है जो हमारा अंदर जाने का एरिया है। तो एक सिंगल डोर यहाँ पर लगा हुआ है, जिससे हमारा पूरा घर देखेगा। तो जाते ही सबसे पहले हमें देखेंगी सीढ़ियाँ जो ऊपर जाने के लिए हैं। बेसिकली ये डुप्लेक्स है, और ट्रिप्लेक्स भी इसको कह सकते हैं। ऊपर भी इसका बना हुआ है, पूरा नहीं बट हाँ एक पोर्शन है। इसके बाद पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाती हूँ। तो ये सीढ़ियों के नीचे का पार्ट है, जिसको हम स्टोरेज बनाएंगे। फ़िलहाल इसमें उसको डेकोरेट करके रखा हुआ है, बट उसको स्टोरेज ही बनाएंगे। इसके बाद साइड में ही एक और गेट आता है, जिससे शुरू होता है हमारा ड्राइंग एरिया, जिसका ओपन स्पेस बाहर साइड भी है और अंदर साइड भी है। दोनों जगह से हम इसमें जा सकते हैं। एक्चुअली गेस्ट वगैरह आते हैं तो बाहर के ही बाहर इससे निकला जा सकता है। और बड़ा सा डोर लगा है, जो बेसिकली मुझे काफ़ी पसंद है इस तरह के स्लाइडिंग डोर्स, और मैं इसी तरह का घर लेना चाह रही थी। तो इसको ओपन करते ही बाहर हम पहुंच जाएंगे। सोसाइटी का व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है। फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हमारा भी घर 2-3 मंथ में आराम से मिल जाएगा। सो ये ड्राइंग एरिया भी सफिशियंट है, जिसमें हम लोग सोफे बड़े साइज़ के आराम से डाल सकते हैं। टीवी यूनिट भी इसमें प्रॉपरली बन सकती है। तो एक सफिशियंट सा साइज़ का ये ड्राइंग एरिया है। ओपन नहीं है, बंद है, बट जब गेस्ट हमारे यहाँ क्या है कि गेस्ट वगैरह आते हैं, तो बंद ड्राइंग एरिया ही हम लोगों को पसंद आता है, इसलिए हम लोगों ने ये वाला चूज़ किया था। उसके बाद कॉमन वॉशरूम है नीचे ही, सेंसर लाइट्स के साथ, और सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अच्छी चीज़ें इसमें सारी लगी हुई हैं। तो ये रही मैं, और ये रहा हमारा वॉशरूम। तो ये रूम में भी ओपन होता है और बाहर से भी ओपन होता है, तो दोनों का काम चल जाएगा। और उसके बाद स्टार्ट होता है साइड में ही हमारा जो है गेस्ट रूम। घर में कोई कमी नहीं? अच्छा है, बढ़िया, मस्त, सही है। थोड़ी इंटीरियर अपने अकॉर्डिंग करवानी पड़ेगी। यहाँ पे आओ, ओपन करो। सो बेडरूम से ही, यानी गेस्ट रूम से ही अटैच है हमारा जो है वॉश एरिया। इसको हम वॉश एरिया भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको सिटिंग एरिया भी बना सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग होगा जो भी होगा। यहाँ पर मैंने डिसाइड किया है यहाँ पर वॉशिंग मशीन वगैरह रख के और कुछ डेकोरेशन कर दूँगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वाला एरिया किचन के साथ भी ओपन होता है। रूम से ही निकल के मिलेगा हमारा जो है डाइनिंग एरिया, जो बिल्कुल ओपन है और डबल फ्लोर ओपन है, जो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें काफ़ी पसंद आया था। सो इसी के साथ डाइनिंग एरिया के साथ ओपन किचन है, जो कि हार्ट ऑफ द होम होता है, और यही मुझे सबसे अच्छा बेस्ट चाहिए था। और ये बिल्कुल मेरी पसंद का ही है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये भी अच्छा लगा था मुझे, यानी वाइट कलर का। और इसके अलावा साइड में ये आपको टीवी मिल जाएगी, जो आप
डाइनिंग टेबल के सामने ही लगा कर रख सकते हैं, उसे एज अ डाइनिंग टेबल डाइनिंग एरिया यूज़ नहीं करना है तो ड्राइंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, सोफे वगैरह आराम से डाल सकते हैं। फिलहाल अगर किचन के पास है तो इसे डाइनिंग एरिया ही यूज़ करना पड़ेगा। और ये रहा हमारा किचन। नीचे का फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है वो ख़त्म होता है और इसके बाद चलते हैं हम लोग ऊपर। तो ऊपर जो हमारी सीढ़ियाँ गई हैं वो अंदर से ही गई हैं ताकि वो बाहर बाहर फील ना हो। और ये पूरा ही आपको कवर मिलेगा इस ग्रिल से कांच वाली। और उसके बाद हमारा यहाँ पर जो झूमर है वो सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा है, एकदम से वही लुक दे रहा है। क्योंकि अगर ऊपर आ रहे हैं ना तो सबसे पहले नज़र उसी पर पड़ती है और वही काफ़ी अच्छा लगता है। तो सामने है बालकनी, मैं एक एक करके सब दिखाती जा रही हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर हम लोग झूमर हैंग करेंगे और नीचे का जो एरिया है वो पूरा दिखेगा, यानी किचन दिखेगा, रूम दिखेगा और डाइनिंग एरिया दिखेगा, सब कुछ नीचे से विजुअल होगा। इसके बाद एक और ओपन एरिया है जिसको हम मंदिर में कन्वर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर मंदिर वगैरह बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग सिटिंग एरिया भी रख सकते हैं, हम फैमिली के साथ बैठ के आराम से गपशप लगा के, और ऊपर का एरिया इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा ऊपर का एरिया। जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इस घर में। तो ऊपर सबसे पहले मिलेगा हमारा बेडरूम और उसके बाद किड्स रूम। तो किड्स रूम को दिखाते हैं। तो एक सफिशिएंट साइज़ का ये किड्स रूम है, आराम से एक दो बच्चों के लिए सफिशिएंट होगा। इसमें वार्डरोब के लिए मतलब अलग से ही जगह दी गई है और अपना टेबल वगैरह जैसे भी अरेंज करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये वाला किड्स रूम रहा। ये भी ये जो इसका भी जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी अच्छा लगा था, जो थीम लग रही है बच्चों के ऊपर वो भी अच्छी है। हर रूम में अटैच लेट बाथ है और नीचे कॉमन है, ऊपर बेडरूम है, किड्स रूम में दोनों में ही लेट बाथ है। इसके बाद किड्स रूम से निकल कर आते हैं तो पड़ता है हमारा मास्टर बेडरूम। और ये भी इसका जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट था ना वो पता है मुझे क्या लगा था, ये तीन विंडो जो साइड में आपको दिखेंगी फुल्ली आप मिल रहा है मुझे, फॉल सीलिंग है वो। और सबसे बेस्ट जो चीज़ लगी थी वो है वो सामने आपको तीन विंडो दिख रही हैं, कर्टन्स डले हैं फिलहाल, बट ये चीज़ मुझे सच में बेडरूम में चाहिए ही चाहिए थी और वो मुझे मिल गई। सो इस साइड आपको अलग से एरिया भी दिख रहा है, वॉशरूम का गेट नहीं दिखेगा अगर बेडरूम का गेट खुल गया, क्योंकि वो एक ही साथ कनेक्ट है। और यहाँ से भी जो व्यू आता है सोसाइटी का वो भी काफ़ी अच्छा आता है। फिलहाल अभी वही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बाहर ऐसा ही थोड़ा बहुत पड़ा है सारी चीज़ें, बट यहाँ से भी लुक एकदम से अच्छा आता है। तो जो लोग झांसी के हैं उन्हें हो सकता देखा होगा स्वास्तिक सिटी, सो वही स्वास्तिक सिटी में लिया है हमने घर। और इसका जो वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का वो ये है, सारे साइज़ सेम हैं वॉशरूम के, बस ऊपर का वॉशरूम थोड़ा बड़ा है, बाकी का सारे साइज़ सेम है। इसके बाद हम लोग जाते हैं थर्ड फ्लोर पर। फ़िलहाल अभी बालकनी रह गई है तो बालकनी मैं भी हम बालकनी में एक सफिशिएंट स्पेस है, काफ़ी है, एक रूम बराबर बालकनी ओपन है जिसमें हम पूरी अपनी मनचाही गार्डनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर हम तो गार्डनिंग ही करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, वो आप लोगों को पता ही है कितना सारा शौक है प्लांट्स रखने का, तो वहाँ पर गार्डनिंग होगी। अब जाते हैं अपने थर्ड फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दिखा दिया है, सेकंड फ्लोर, और हमने ड्यूप्लेक्स लिया है तो ये वाला फ्लोर हम लोगों के में ऐड नहीं है क्योंकि एक रूम ऐड है, एक वॉशरूम ऐड है, उसके अलावा पीछे का जो एरिया है वो खाली पड़ा है, यानी छत पड़ी है। तो इसको हम मेडिटेशन रूम भी बना सकते हैं और वो हम अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो फिलहाल ये मेडिटेशन रूम है, आप आराम से ऊपर आके योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
और जो यहाँ की बड़ी बड़ी विंडो है ना, वो सबसे ज़्यादा मेरा दिल जीत गई थी। यानी सब कुछ मुझे सामने से दिखना, घर यानी मुझे घर बंद पसंद नहीं था, बिल्कुल ओपन ओपन घर पसंद था जो इस वाले घर में है। और ये मैंने हमेशा के लिए ख़रीदा है, तो हर चीज़ को सोच समझ के लेना पड़ता है। और इसका जो टेरेस एरिया है उस पर यहाँ पर बार बना हुआ है और बैठने के लिए भी बना हुआ है। साइड में एक और रूम है जिसको इन्होंने एज अ थिएटर कन्वर्ट किया है। तो ये वाला जो ऊपर का एरिया है वो ऐसी इंजॉय वाला एरिया है कि आपको रेगुलर यूज़ नहीं करना है, बस सुबह शाम वाला यूज़ करना है, तो वो है। और सो ये रहा फुल्ली होम टूर। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर से बताइएगा। एंड जस्ट यहाँ पे आप थोड़ा देर बैठूंगी, पूरा घर दिखाते दिखाते बिल्कुल से थक गई। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियोस के लिए। जो हम इस घर में रहेंगे तो आपके साथ बहुत बहुत प्यारी प्यारी सी वीडियो भी शेयर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टाटा, टेक केयर।